नमस्ते हमारे प्यारे शिक्षक मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट पूर्णांक बोर्ड गेम में बच्चे कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे और किस प्रक्रिया द्वारा रोचक सवाल को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्णांक बोर्ड गेम प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के अध्याय क्रमांक 1 पूर्णांक में शामिल अवधारणाओं को समझेंगे। प्रोजेक्ट का प्रमुख सवाल है, क्या हम पूर्णांकों का उपयोग करके एक बोर्ड गेम डिजाइन कर सकते हैं? सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग कर बच्चे इस सवाल का हल ढूंढेंगे और एक बोर्ड गेम का निर्माण करेंगे। विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 20 मिनट बिताकर प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी अवधारणाओं जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में समझ बनाएंगे। संख्या रेखा के आधार पर पूर्णांकों की तुलना करेंगे। बच्चे संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांकों पर बुनियादी संक्रियाओं को निष्पादित करने का कौशल विकसित करेंगे। इस प्रोजेक्ट में उन्हें समूहों में सहयोग करने और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर भी मिलेगा। निवेदन है कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने के पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख लें। यदि सामग्री स्कूल में उपलब्ध ना हो तो विद्यार्थियों को एक दिन पहले बता दें ताकि संभव होने पर वे सामग्री का प्रबंध कर सकें। शिक्षक हर दिन बच्चों के बीच प्रमुख सवाल पर जरूर चर्चा करें। सभी स्तर के बच्चों को मिलाकर मिश्रित एवं समावेशी समूह बनाएं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें चार्ट पेपर, रंगीन पेन या पेंसिल, -10 से -10 तक पूर्णांकों के लिए संख्या चिट, चौक, कागज जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। सामग्री का चयन आप पाठ्य योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर कर सकते हैं। पहले दिन विद्यार्थी गतिविधि के माध्यम से पूर्णांक के अर्थ को समझेंगे और संख्या रेखा पर संख्याओं को अंकित करेंगे। शिक्षक बच्चों को प्रोजेक्ट का परिचय देंगे और बोर्ड गेम के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद विद्यार्थी समूहों में बोर्ड गेम बनाने की रणनीति तैयार करेंगे, जिसके लिए शिक्षक उन्हें कुछ सवाल भी देंगे। बच्चे गृह कार्य में अपनी नोटबुक में -10 से -10 संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। दूसरे दिन की शुरुआत में शिक्षक पिछले दिन की पुनरावृत्ति और गृह कार्य पर चर्चा करवाएंगे। इसके बाद विद्यार्थी संख्या रेखा का उपयोग करके पूर्णांकों की तुलना करेंगे और उन पर बुनियादी संक्रियाएं करेंगे, जैसे संख्याओं के बीच का अंतर, चिन्हों के माध्यम से तुलना इत्यादि। बच्चे जानेंगे कि कैसे अपने बोर्ड गेम के लिए कुछ प्रश्न तैयार कर सकते हैं। वे समूह कार्य के माध्यम से संख्याओं को घटाना सीखेंगे और गृह कार्य में अपनी पाठ्य पुस्तक से अध्याय पूर्णांक में दिए गए जोड़ एवं घटाव के सवालों को स्वयं हल करेंगे। तीसरे दिन शिक्षक प्रमुख सवाल दोहराएंगे और पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य से कक्षा की शुरुआत करेंगे। पुनरावृत्ति हेतु शिक्षक बच्चों को बोर्ड पर कुछ सवाल हल करने के लिए देंगे। विद्यार्थी अपने बोर्ड गेम के लिए कुछ चुनौती कार्ड बनाएंगे, जिसमें पूर्णांक की अवधारणाओं का उपयोग होगा। इन कार्डों को अपने बोर्ड पर अलग अलग स्थानों पर रख सकते हैं ताकि खिलाड़ी इनका अनुसरण कर सके। विद्यार्थी आज बोर्ड गेम के नियमों को पन्ने पर लिखेंगे और उसे अंतिम रूप देंगे। चौथे दिन भी शिक्षक कक्षा की शुरुआत में विद्यार्थियों को पिछले दिन की पुनरावृत्ति हेतु सवाल देंगे। इसके बाद विद्यार्थी दो-दो की जोड़ी में बोर्ड गेम पर एक दूसरे को फीडबैक देंगे। शिक्षक बच्चों को यह याद दिलाएंगे कि उन्हें सम्मान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक और मददगार ढंग से प्रतिक्रिया साझा करना है। अंत में वे अपने बोर्ड गेम को बनाने के लिए कार्यों को संपन्न करेंगे, जिसमें गेम टोकन बनाना और चुनौती कार्डों को बनाना शामिल होगा। पांचवें दिन विद्यार्थी अपने बोर्ड गेम को खेलेंगे और प्रोजेक्ट के माध्यम से अपनी सीख पर विचार करेंगे। शिक्षक प्रत्येक समूह को दूसरे समूह के साथ जोड़ेंगे और बारी बारी से एक दूसरे के बोर्ड गेम खेलेंगे। अंत में वे चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट के दौरान क्या सीखा और अगले प्रोजेक्ट में कैसे सुधार किया जा सकता है। हमने देखा
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को पूर्णांक अध्याय से जुड़े अवधारणाओं को समझने का अवसर मिलेगा। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध क्यों